नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सर्वाइकल के इशू को लेके। सर्वाइकल में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, गर्दन में किन तरह की प्रॉब्लम आती हैं। कई बार होता है कि आप रात को सो के उठते हो तो आपकी गर्दन जो है वो एक ही एंगल में फिक्स हो जाती है, उस गर्दन को आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपको सीवियर पेन होता है। इस तरह की कंडीशन को भी एक तरह से सर्वाइकल रिलेटेड इशू बोल सकते हैं, या सर्वाइकल की कोई नस खिंच गई है उसको आप बोल सकते हैं। और दूसरा, आप सर्वाइकल के अंदर जब भी आप सर्वाइकल को लेफ्ट और राइट इस तरह से बेंड करते हो तब आपको सर्वाइकल की वर्टिब्रा के बीच में एक क्रैंकिंग साउंड आती है, एक खटखट की साउंड आती है जो कि हड्डी से हड्डी टकराने की साउंड होती है। इसको एंकोलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर हड्डियों के अंदर या तो कैल्शियम बढ़ जाता है या डिस्क जो है वो बल्ज हो जाती है, और उसकी वजह से जब भी आप गर्दन को ऐसे करते हो, लेफ्ट राइट करते हो, अप एंड डाउन करते हो, तो आपको हड्डियों के बीच में कड़कड़ की आवाज आती है, या यू फील ए क्रैंकिंग साउंड जिसकी वजह से आवाज आती है। और वो क्रैंकिंग साउंड जो है वो भी सर्वाइकल का ही एक रीजन है। और उसके बाद एक और पोजिशन आती है, वेन यूर सर्वाइकल बिकम द बैम्बू स्पाइन, इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू मूव योर सर्वाइकल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट यू विल बी बेंडिंग योर एंटायर चेस्ट एरिया लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल इश्यूज या एंकोलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिस। देन देयर इज अनदर केस, दूसरा केस होता है जब आप गर्दन को ऊपर या नीचे करते हो तो आपको बहुत ज्यादा गिडीनेस फील होती है, चक्कर आते हैं, या आपको वर्टिगो होता है, तो उस केस में भी आपको सर्वाइकल का इश्यू होता है ज्यादातर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन, इन दैट केसेस आइदर द प्रॉब्लम विद द सर्वाइकल वर्टिब्रा और विद द ईयर ड्रम्स और विद द टेल बोन, दीज आर द थ्री रीजन फॉर द वर्टिगो। इफ यू आर हैविंग अ वर्टिगो इशू तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू आर हैविंग द प्रॉब्लम इन द सर्वाइकल, यू मे ऑल्सो हैविंग द प्रॉब्लम इन द ईयर ड्रम और द टेल बोन। This I have noticed in my 30 years of experience. So accordingly, if a patient come to you for a vertigo, then you have to ask the patient or check the patient for these three reasons. One is eardrum problem, any problem with the eardrum. Number two, any issue with the tailbone or any issue with the cervical. These are the point to be noted for the जब चक्कर के लिए कोई भी पेशेंट आपको आता है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, उस केस में आपने तीनों चीजों को देखना है, और तीनों चीजों में से जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम मिलती है उसको डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होगा। अगर ईयर ड्रम डिसबैलेंस है तो ईयर का ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो हम सुजोग में करें, चाहे TCM में करें, और चाहे रिफ्लेक्सोलॉजी से करें। अगर टेल बोन की वजह से चक्कर आ रहे हैं, टेल बोन का चक्कर आने का मतलब जो टेल बोन है उसकी एनर्जी, होमोस्टेटिक एनर्जी उसके ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अगर स्पाइन के अंदर एनर्जी पूरी फ्लो नहीं हो रही है तब भी आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपको स्पाइनल कॉर्ड को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर नेक की प्रॉब्लम है तब आप सीधी वर्टिब्रा को यहाँ से चेक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से ट्रीटमेंट देंगे तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने किस चीज़ को कैसे करना है। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर के हिसाब से सर्वाइकल को ट्रीट करना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी थंब को इस तरह से बेंड करना है, और जहाँ पर स्कल और नेक जुड़ती है, यह हिस्सा जहाँ पर स्कल और नेक जुड़ती है, यहाँ पर हर एक के पास जो है एक खड्डा होता है या फिट मिलेगा, उस फिट में इस तरह से थंब को आपने रखना है, और इस थंब को ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर देना है, इस तरह से आपने प्रेशर देना है, जिसको कम से कम आपने 10 बार इस तरह से प्रेशर देना है। जब आप 10 बार प्रेशर देंगे तो पेशेंट से आप पूछेंगे क्या आपका सिर हल्का हुआ है, वो बोलेगा हाँ मेरा सिर हल्का हो रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को आपने रेगुलर प्रेस करना है जब भी आपने सर्वाइकल ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद आप पाएंगे यहाँ पर 7 वर्टिब्राज होती हैं,
जिनको कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C6, C7 ये सात वर्टिब्राज होती हैं, और ये सातों वर्टिब्राज जो हैं आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को लोकेट करती हैं। C1 और C2 आपके ब्रेन को कवर करती हैं, पूरे नोज जितना भी हेड एरिया है उसको कवर करती हैं। 3 और 4 जो हैं वो आपके कंधों को कंट्रोल करती हैं। 3 और 4 जो 5 है, 5 आपके ट्रंक रीजन को, इस एरिया को कंट्रोल करती है। 6 और 7 जो है वो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करती है, मीन्स की लेग्स को कंट्रोल करती है। कई बार मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लोगों को 6 और 7 में पेन था और वो मेरे पास आए कि हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि आपके 6 वर्टिब्रा और 7 वर्टिब्रा में जो है आपको नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या उसके अंदर कैल्सिनेशन हो रहा है, या जो डिस्क जो है वो आपकी बल्ज हो रही है। लेकिन जब मैंने इस पॉइंट को 7 और 6 को दबाने के बाद 5, 6, 7 को प्रेस किया और मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको टांगों में कोई दर्द है, आपको बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो पेशेंट ने बोला कि हाँ मेरे को दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 5, 6, 7 वर्टिब्रा हैं ये आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज को कंट्रोल करती हैं, तो आपने उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ से करना है। टांगों के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने सर्वाइकल को आके जरूर चेक करना है, कहीं ये मेटाफिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम इश्यू यहाँ पर तो नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। हाथ को इस तरह से क्लैंप करेंगे, उंगलियों को दोनों को बेंड करेंगे ऐसे, और फिर जितनी भी ये वर्टिब्राज हैं इन वर्टिब्राज को आप ऐसा करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक जब आप आएंगे तो आपको 7 लास्ट वर्टिब्रा मिलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दीज आर द 7 वर्टिब्राज यू हैव टू प्रेस विद लाइट प्रेशर सो दैट पेशेंट मे नॉट फील अनकम्फर्टेबल। 10 times यू कैन प्रेस दिस। नाउ कम टू दिस एरिया यू कैन प्रेस दिस पॉइंट लाइक दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सर्वाइकल इशू। बाई प्रेसिंग दिस पॉइंट यू आर रिलीजिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ द सर्वाइकल। देन यू कम टू द मसल ऑफ द शोल्डर। दीज आर द मसल ऑफ द शोल्डर एंड द नेक। There will be you finding lot of pain. Those who are having the cervical issue, they may be having lot of pain in this area. You can massage this point just for 5 minutes, like I am pressing it. Like this, you apply pressure for 5 minutes, and entire this muscle area is relaxed. You ask the patient to move the neck left and right. He will be moving the neck left and right very comfortably, up and down very comfortably, no issue. Then there is one point you press this area. This is the shoulder bone. Below this forefinger there is a point, you press this area. When you press this area, all nervous system related to this area will be relaxed and there will be the blood circulation in the left. If you are pressing the right side, then right area will be relaxed. If you are going to the left area, then left area will be relaxed. Once you are treating the left area, then there is a one important thing to be kept in mind always. If the patient is having any heart related issue or he is having the stunt in the arteries, then it has to be taken very carefully. And any patient who is having any iron particle in the body, any disc, any pipe, any bolt, any stud, anything is putting in the body, then you need not to apply the magnets, whether it may be the Bjorn magnet, it may be the star magnet, or it may be the heavy magnet. You need not to treat the patient with the help of the magnets. You just apply the pressure that will release the neck area. Now come to the sujog part. In the sujog, we call thumb is head. Thumb means the nail portion becomes the upper part of the head. This is the complete head area. This is the head area. This is thumb. Complete thumb is head, and this is the upper part. This is the front side of the back. This is the back side of the head, means this area complete covered to the
this area. Now come to the lower part. This lower part is the neck area. Front part is front of the neck. Back of the neck is the, this is the area. Or you can see in the, you can see here. This is the back of the thumb. This is the back of the thumb corresponding to the cervical. And front of the thumb, it is corresponding to the this neck area. So now these all the seven vertebrae can be located in the thumb very easily. How you will locate, I will try to explain with the help of the jimmy. This I call is a jimmy. This jimmy is specially designed by me while I was in service. So this is the jimmy. With the help of jimmy, you try to locate. First you locate the bony structure on the arm, on the back of the thumb. This is the bony structure you have located. Now go one by one. C1, C2, C3, C4, C5, C6 and C7. This is the right side of the vertebra, right side of the cervical. Now come to the left side. Left side again you press like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And you have to locate a painful point. Which is the most painful point in between all the seven vertebrae. If you find a pressure and you find a painful point on the C3. C3 means cervical vertebra 3 number is causing the pain. Or it is its stiffness is due to that. You keep on rolling the, either you can press the point or you can roll this point like this. But since my treatment is very metaphysical and it's on the higher level and need not to press all the cervical, I will just pick which point is the painful. Just I will select that point and give a single point treatment. In so many videos you are saying they are taking the roller and putting this roller like this they are doing. But need not to do, it is a layman decision, layman practice. But if you go in a higher level and a metaphysical level and a precision level, agar aap bahut accuracy mein jate hain aur single point se treat karna chahte hain, to aap seedha yahan par aaiye, point ko locate kariye, jo bhi point aapko painful milta hai us painful point ko press kariye, check kariye, uske upar check karke aap yahan par methi dana bandh sakte hain, aap yahan par bial magnet bandh sakte hain. Jis bhi tarah ka treatment hoga aap yahan par isko kar sakte hain. Dusra, aap yahan par point aayenge तो आपको TCM की मेरिडियन भी यहाँ पर आती हैं. जो TCM की मेरिडियन आती हैं वो नेक से होकर निकलती हैं. तो नेक से निकलने वाली जो TCM मेरिडियन है वो यहाँ पर ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन आती है और लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन आती है. तो लार्ज ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन पूरे नेक से इधर से शोल्डर से आके ऐसे कवर होके ये कान के पूरा पीछे होके यहाँ तक आके आँख तक जाती है. तो ये मेरिडियन ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जो है पूरे शोल्डर एरिया को कवर करती है. इस करके जब भी कोई प्रॉब्लम सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी आपने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन को जरूर चेक करना है. और अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की जो विंड एनर्जी होगी, विंड एनर्जी को आप टोन करेंगे, ह्यूमिडिटी को एनर्जी को सीडेट करेंगे, उस केवल कलर लगाने से भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं. और मैंने एक और चीज़ देखी है, अगर आप सर्वाइकल के ऊपर केवल कलर लगा देते हैं, अगर इतने हिस्से को आप ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन करने का मतलब यह है कि आपने जो यहाँ के वर्टिब्रा थी उनके अंदर विंड एनर्जी को सर्कुलेट किया है. और विंड एनर्जी जाने से आपको मैं कलर लगा के दिखाता हूँ कि आपने कलर लगा के इसको कैसे करना है. तो कलर से आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने बस ये वाला कलर ऐसे ग्रीन कलर का मार्कर लिया है और इस ग्रीन कलर के मार्कर से आपने ऐसे इसको ग्रीन कर देना है. इस तरह से आपने ग्रीन करना है. इतना ग्रीन करने से आपकी जो है ये पूरी वर्टिब्रा जो है यहाँ की वर्टिब्रास ठीक हो गई हैं और इनके अंदर ग्रीन कलर लगाने से वहाँ पर विंड एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ गया है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया था यहाँ पर H9 की मेरिडियन जाती है. H9 की मेरिडियन के ऊपर आप यहाँ पर ग्रीन कलर अगर लगाएंगे तो इससे भी आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है वहाँ पर विंड एनर्जी का सर्कुलेशन होगा एंड विंड एनर्जी विल बी एक्टिवेटेड ओवर देयर.
एंड इट विल क्लियर द कंजेशन ओवर देयर। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, इस तरह से लिटिल फिंगर के ऊपर भी ग्रीन कलर यहाँ पर लगाएंगे, इससे भी आपको इमीडिएट जो है विंड एनर्जी जाएगी और विंड एनर्जी यहाँ पर इसके कंजेशन को ख़त्म करेगी। और ट्रिपल वार्मर के मेरिडियन पे आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके आपको ट्रिपल वार्मर 3 पॉइंट मिलता है, TW3 जो है विंड का पॉइंट होता है, और इसके ऊपर भी आप ग्रीन कलर अगर आप लगाते हो तो आपको इस सर्वाइकल के केसेस में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है कई तरीके समझा दिए हैं, तो आप अपने अपने ऊपर या अपने पेशेंट के ऊपर या आपके क्लिनिक में अगर कोई भी पेशेंट आता है उनको आप इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट देंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे और एक या दो सिटिंग में ही उस पेशेंट को आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको पेशेंट को बार बार आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आप